हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो यहाँ पर आपने देखा है कि हमने इस पर्टिकुलर स्टाइलिश वुडन फर्नीचर का टेक्सचरिंग हमने यहाँ पर स्टार्टअप कर लिया है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी है जिस पे हम टेक्सचरिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ और बुक्स भी है। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ये चारों बुक को मैं फिर पहले अटैच कर लेता हूँ। मटेरियल में जाता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ। सो मटेरियल में जाने के बाद सो यहाँ पर एक वीरे मटेरियल में असाइन अप कर लेता हूँ। सो डिफ्यूज में जाता हूँ, सो लेट्स टेक अ बिटमैप ओवर हियर। सो आई हैव टेकन फ्यू टेक्सचर्स फॉर दिस, सो लेट्स जस्ट असाइन दिस टेक्सचर ओवर हियर एंड लेट्स टेक अ UVW मैप और यहाँ पर जाकर गिज्मो में जाता हूँ और इसे मैं 90 डिग्री में रोटेट करके इसे फिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। अब कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर। अब पॉलीगन्स में जाता हूँ और ये ऊपर के सारे टॉप पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके मटेरियल में जाकर मैं एक वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो ये हमें यहाँ पर एक आइडिया देगा कि हमारे यहाँ पर भी बुक्स रखी हुई है। सो सेम थिंग यहाँ पर इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सबसे पहले मैं अटैच कर लेता हूँ इस तरह से। सो अटैच करने के बाद मैं फिर मटेरियल में जाता हूँ, फिर एक बार मैं वीरे मटेरियल असाइन करता हूँ। बिटमैप में जाकर मैंने कुछ और टेक्सचर्स लिए हैं बुक के, वो हम इसे असाइन करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर UVW मैप असाइन करता हूँ और गिज्मो में जाकर इसको रोटेट कर लेता हूँ, इसको फिट कर लेता हूँ और इसकी जो आपको लेंथ वो थोड़ी सी मैं लेंथ इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसको ओके कर लीजिए और इसके मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ग्लोब है, ग्लोब को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इसको अनरैप करना है तो आप इसे अनरैप भी कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्टली एक वीरे मटेरियल ले लेता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर मैं एक ये जो ग्लोब है मैं ये पूरा ग्लोब का टेक्सचर इसके ऊपर असाइन कर लेता हूँ। आपको जैसा टेक्सचर असाइन करना है इसे आप असाइन कर लीजिए। इसके ऊपर जाकर एक UVW मैप दे देता हूँ और आपको अगर स्पेरिकल रखना है इसके ऊपर मैपिंग तो आप इसके ऊपर एक स्पेरिकल मैपिंग रख लीजिए। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इस तरह से इसे प्लेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फिर से मैं ये पार्ट को सेलेक्ट करके मटेरियल में जाकर एक बेसिक सा कलर में इसके ऊपर खाली असाइन कर लेता हूँ। सो एक कलर असाइन कर लेता हूँ हल्का सा, अगर आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिफ्लेक्शन असाइन कर सकते हो। सो इसके बाद
आगे बॉक्स सॉइल को टेक्सचर करेंगे। सो बॉक्स सॉइल को भी टेक्सचर कर सकते हैं। सो बॉक्स सॉइल को टेक्सचर करने के लिए अगर आपके पास कोई टेक्सचर है तो आप टेक्सचर असाइन अप कर लीजिए, या फिर अगर मुझे कुछ इस तरह से फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को अनरैप करके भी कर सकता हूँ। सो मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रंट व्यू में जाएंगे, फाइल सेव कर लीजिए। सो फ्रंट व्यू में आप जा सकते हो, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सो डेफिनेटली जब आप फ्रंट व्यू से इसे सेलेक्ट करोगे तो मैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट को अनरैप करना है तो पहले यहाँ पर जाकर अनरैप UVW डाल देता हूँ। यहाँ पर अनरैप UVW के पॉलीगन्स में जाता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके, और यहाँ पर जाकर क्विक प्लानर मैप ओपन यूवी एडिटर कर लेता हूँ इसे, और इसे मैं यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसे मैं प्रोजेक्शन करता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसे क्विक प्लानर मैप करके ऊपर यूवी एडिटर करता हूँ, और इसे मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करने के बाद ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे, और इसे भी मैं प्रोजेक्शन कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ ओपन यू एडिटर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पार्ट नहीं चाहिए था, ये पार्ट आप एक्सक्लूड कर लीजिए। खाली ये पार्ट सेलेक्ट कीजिए, आप क्विक प्लानर मैप कर लीजिए, और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें विजिबल नहीं होने वाला है, तो ये मैं ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर जनरेट नहीं कर रहा हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ, और इतना पार्ट मैं उसके अंदर पुश कर लेता हूँ। अब टूल्स में जाएंगे, रेंडर यूवी टेम्पलेट करके 1024 1K का टेक्सचर लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। रेंडर करता हूँ इसे, क्विक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर यूवी सेव कर लेता हूँ। फोटोशॉप ओपन करते हैं, अब ये सेम फाइल में ओपन करूँगा फोटोशॉप के अंदर। सो फोटोशॉप ओपन करेंगे, तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ओपन करता हूं। डी ड्राइव में जाता हूं, और ये यूवीज में ओपन कर लेता हूं, और एक बार वो रेफरेंस फाइल भी ओपन कर लेते हैं किस तरह से, वो एक रेफरेंस फाइल भी ओपन अप कर लेता हूँ। सो रेफरेंस फाइल के लिए मैं फिर डी ड्राइव में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर जो इमेजेस लिए हैं रेफरेंसेस के, वो रेफरेंसेस के इमेजेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो
लिए जस्ट एक इमेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कलर खाली पिक कर लेता हूँ, एक कलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ये कलर इसके ऊपर फिल कर लेता हूँ और इसको स्क्रीन कर देता हूँ। इसके बाद ये जो खाली आपका फाइल का सेक्शन है, एक नया लेयर लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स है, इतने एरिया में ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से और इसके ऊपर मैं वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर कुछ ब्लैक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, सो डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस मुझे इसका टेक्सचर एक्यूरेट मिला नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से टेक्सचर बना रहा हूँ यहाँ पर। सो ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिटेल है नहीं, बट शो करना है हमें, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से ये जस्ट एक टेक्सचर आपको क्रिएट अप करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको साइज में कम कर लीजिए और आपको यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल मैटर लिखना है तो आप यहाँ पर टेक्सचुअल मैटर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट मैं टेक्सचुअल मैटर लिख लेता हूँ, ट्यूटोरियल्स जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, स्केल कर दीजिए। जस्ट आपको खाली मैंने रेफरेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर की है। सो आपका जैसे ही ये पार्ट यहाँ पर हो गया, मैं ये मेन लेयर ऑफ कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ इसे। सो इसे मैं जैसे एक नाम दे देता हूँ, टेक्सचर वन, सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ और धीरे मटेरियल असाइन कर लेता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ और ये जो हमने टेक्सचर इसके ऊपर असाइन किया है वो साइन अप कर लीजिए या अप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका जो बॉक्स फाइल है, ये बॉक्स फाइल का टेक्सचर यहाँ पर आपको शो अप हो जाएगा। शिफ्ट टी प्रेस कर सकते हो, इसमें जाकर आप ग्लोबल सेटिंग्स में जाकर आप इसके टेक्सचर पिक्सल्स इंक्रीज करना है तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, बट ये आपको रेंडर में ही बेटर दिखेगा। तो इसको मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इसको डिलीट कर लेता हूँ, बिकॉज ये हमारा परफेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो मैं इसी की दो डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ इस तरह से और इसको एक बार आप फिर सेव कर लीजिए। सो इसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे कोई अलग से बुक टेक्सचर चाहिए तो वो भी आप असाइन कर सकते हो। तो इसको मैं सबसे पहले तो स्ट्रेट कर लेता हूँ, इसको 90 डिग्री में हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। सेव कर लीजिए फाइल एक बार। सो मटेरियल में जाकर आप एक बार इसके ऊपर तो बिटमैप में जाइए, असाइन कर लीजिए। सो UVW मैप कर लेता हूँ यहाँ पर, इसे बॉक्स कर लेता हूँ, गिज़मो से सेम 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ और इसे फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर
अभी इस तरह से टेक्सचर एडजस्ट कर लीजिए। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए फिर से इसे। पॉलीगन्स में जाता हूँ, मटेरियल में जाकर इसके ऊपर एक वाइट कलर दे देता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो डेफिनेटली इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम कवर अप करेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में। सो सेव कर लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।